नमस्कार, टुडे प्रेम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। माधव नेपाल झूठ प्रचार केने प्रधानमंत्री केपी ओली के कहब रहल संबंधी प्रसंग से। प्रधानमंत्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अपना के प्रधानमंत्री के प्रस्ताव आयल कहकर माधव नेपाल झूठ प्रचार केने बतौने। जननेता भंडारी के 17वां जन्म जयंती के अवसर में मदन भंडारी फाउंडेशन द्वारा आई काठमांडू में आयोजित विचार गोष्ठी में प्रधानमंत्री ओली अपने प्रधानमंत्री के प्रस्ताव नहीं कहने कहे माधव नेपाल झूठा प्रचार कहने बतौने। माधव नेपाल प्रति बहुत आलोचनात्मक रूप में प्रस्तुत भेल प्रधानमंत्री ओली माधव नेपाल एक गुट कांग्रेस के पाछा कूद वाला व्यक्ति हल टिप्पणी कलन। उन नेता नेपाल मदन भंडारी के नाम के सेहो दुरुपयोग करे कार्यकर्ता बीच भ्रम छिटे के काज कहने बतौलन। वो कम्युनिस्ट के सरकार गिराब के प्रमुख प्रतिपक्ष के नेतृत्व में सरकार बनेवाक कम्युनिस्ट आंदोलन समाप्त कर के काम में नेता नेपाल सक्रिय रहल आ दूसरे विचार लेने रही तो एखनो पार्टी से राजीनामा नहीं देने धारणा रखलन। प्रचंड रंग परिवर्तन कर वाला रहल सेहो आरोप ओली लगौलन। बेसरमको पनि हद हुन्छ। त्यही पार्टी ध्वस्त पार्न खोज्ने, मदन भण्डारीका विचार समाप्त पार्न खोज्ने, मदन भण्डारी फाउन्डेसन गठन भयो भनेको सुन्दाखेरि उनीहरूलाई टाउको दुख्ने। जेठ 3 गते मदन आश्रित स्मृति काङ्ग्रेस प्रचण्ड पदके मार्गदर्शन सिद्धान्त लेने आरोप लगाउनेन। उनी राजनीतिक दलके कार्यकर्ताके विचारसँग चलस बेसी खेताला रूपमे प्रयोग गर्न लागल कहे विपक्षी गठबंधन के आलोचना सेहो कलन। प्रधानमंत्री ओली जननेता मदन कुमार भंडारी राजनीतिक स्वार्थ के व्यापार नहीं कह सिद्धांत के पक्ष पोषण केने बतौने छलखिन। नेपाल कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ राष्ट्रपति भंडारी पदीय मर्यादा आ गरिमा राख नहीं सकल आरोप लगौलन। आई काठमांडू में नागरिक अगुआ सबसंग विपक्षी गठबंधन केने अंतरक्रिया में सभापति देउवा संविधान आ राष्ट्र के हित विपरीत काज कह प्रधानमंत्री आ राष्ट्रपति गरिमा राख नहीं सकल आरोप लगौलन। संविधान के 76 के उपधारा 5 से कोनो भी सांसद के सदस्य से बहुमत के आधार पेश कैलक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री में नियुक्त कर प्रभाक व्यवस्था रहला से उनके आधार में दावी प्रस्तुत कने रही तो उल्टे प्रतिनिधि सभा विघटन कैल गेल वो बतौलन। तेना वो प्रधानमंत्री ओली आ राष्ट्रपति मिलकर संविधान के प्रावधान के धज्जी उड़ौने आरोप सेहो लगौलन। सभापति देउवा अदालत स्वतंत्र रहल आ ककरो दबाव में नहीं पड़कर निर्णय करबाक दावी कलन। वो गठबंधन के पहल प्राथमिकता कोविड-19 नियंत्रण आ रोकथाम रहल सेहो उल्लेख कलन। बहुमत प्राप्त आधार प्रस्तुत करे में नियुक्त करूर्ने से भाई हमें बहुमत को आधार प्रस्तुत कर सब वहाँ मित्रों मैं परामिष्ट मांग हो हमी गये उसे सदस्य पार्टी भो कुछ सदस्य ने संसद को कुछ सदस्य ने बहुमत प्राप्त कर सके आधार प्रस्तुत करेन। तहिना नेकपा माओवादी केन्द्रक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संसद पुनर्स्थापना होब जका बहस भ रहल कहत तर्क आ तथ्य के आधार में अदालत संसद पुनर्स्थापना करबाक बतौलन। मुदा अदालत पुनर्स्थापना कलक त सही हेबाक अवस्था नहीं रहल प्रचण्ड के कहब रहल अछि। ओ पुनर्स्थापना भेल रही तो नहीं भेल स राजनीतिक वातावरण बिगड़ सकबाक बतौलन। ओ स्वार्थ के लेल ओली केहनो भी समझौता करा तैयार रहल आरोप सेहो लगौलन। संविधानमाथि यो भइरहेको सन्दर्भ र अदालतमा यो विषय भइरहेको सन्दर्भ तपाईँहरूले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो संसद त पुनर्स्थापना हुन्छ सबै तथ्य तर्क प्रमाण नजिक सबै हेर्दा संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। तहिना एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल केपी शर्मा ओली के भाषण रेकर्ड कर राख आग्रह कलन। नेता नेपाल नीक प्रणाली मात्र भक नहीं हेबाक आ संस्कार जरूरी रहल बतौलन। ओ प्रधानमंत्री ओली में संस्कार नहीं रहल तर्क कलन। नेता नेपाल विपक्षी गठबंधन लोकतंत्र आ संविधान बचेबाक लेल रहल उल्लेख करत दोसर से बेसी अपन अवस्था अलग रहल
धारणा रखने छलखिन। गठबंधन के अन्य नेता सब देश के संवैधानिक ट्रैक में लाभ अधिनायकवादी कदम के सचियाबक लेल एकताबद्ध भक आगा बढ़ पड़वाक धारणा रखने छल। धनसा में थप सहज बनाकर अखार 21 गते धरि निषेधाज्ञा लंबाओल गेल। कोरोना संक्रमण दौर में क्रमश सुधार होत गेल कहत स्थानीय प्रशासन बाजार क्षेत्र सहज करत। धनसा में आठम बेर निषेधाज्ञा के समय अवधि पुनः एक हफ्ता के लिए बढ़ौलक। जिला संकट व्यवस्थापन समिति के आई बैसल बैसार से आगामी अखार 21 गते रात 12 बजे धरि के लिए निषेधाज्ञा जारी रखबाक निर्णय कैल गेल। कोरोना संक्रमण के फैलावट रोक निषेधाज्ञा के निरंतरता देवाक निर्णय भेल प्रमुख जिलाधिकारी बंधु प्रसाद बास्तोला जानकारी दिलान। प्रमुख जिलाधिकारी बास्तोला आवश्यक पसल सब दिन भर संचालन कर सकबाक बतौने। तहिना निजी सवारी साधन सब मोटरसाइकिल सेहो एवं टैक्सी आ टेम्पू जोड़ गते जोड़ नंबर आ बिजोड़ गते बिजोड़ नंबर के संचालन कर सकबाक भेल। विद्यालय सब में भीड़भाड़ होबनी दक आलोपालो क पुस्तक सब वितरण की व्यवस्था कैल जा सकबाक। सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालय स्थानीय तो एवं संस्थान सब भीड़भाड़ होबनी दक आलोपालो क नियमित सेवा सुचारू करबाक तथा बैंक एवं वित्तीय संस्था सब नियमित सेवा सुचारू कर सकबाक भेल। तहिना होटल रेस्टोरेंट सब ऑनलाइन ऑर्डर तथा होम डिलीवरी आ टेक अवे विधि से मात्र सेवा संचालन कर सकबाक भेल। तो रात्रिकालीन व्यवसाय संचालन में रोक लगाओल गेल। आई नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक देश बननाई में शहीद सबके पैघ योगदान है। विभिन्न कालखंड में शहादत प्राप्त केने शहीद सबके अतुलनीय योगदान के कारण आई हम सब देश में गणतंत्र पौने। जनता संघीयता के अनुभूति कर रहा वर्तमान अवस्था में शहीद सबके महत्वपूर्ण भूमिका देखल गेल। आरो मधेश आंदोलन के जोग में स्थापना भेल प्रदेश नंबर 2 सरकारक लेल शहीद सबके योगदान आ बलिदानी अविस्मरणीय देखल गेल। मुदा प्रदेश नंबर 2 में वह शहीद सबके अपमान कैल गेल। प्रदेश नंबर 2 के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय के जिम्मेदारी सम्हार रहल ऐसे पहिने के मंत्री जितेंद्र सोनल अपन कार्यकक्ष में मधेश आंदोलन के शहीद सबके संगे जन आंदोलन के शहीद सबके तस्वीर रखने छलखिन। मुदा वह शहीद सबके तस्वीर नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री राम सरोज यादव हटाकर कांग्रेसी विचार संघ नजदीकक नेता सबके तस्वीर लगौलाक बाद तस्वीर के राजनीति प्रदेश नंबर 2 में सेहो शुरू भेल देखल गेल। बितला जेठ 26 गते नेपाली कांग्रेस के दिस से भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री के जिम्मेदारी पौने यादव अपन कार्यकक्ष में राष्ट्र प्रमुख आ प्रधानमंत्री के फोटो न रखने रहितो कांग्रेस नेता सबके फोटो राख नहीं बिसरलक। वो अपन कार्यकक्ष में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी आ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के फोटो नहीं रखने रहितो बीपी कोईराला महेंद्र नारायण निधि राम नारायण मिश्र आ शहीद दुर्गानंद झा के फोटो राख नहीं छोड़ने। ऐसे पहले उठमन मंत्री के कुर्सी के ऊपर मधेश आंदोलन के शहीद तथा जन आंदोलन के शहीद सबके तस्वीर रहल छल। मुदा उठमन से वो तस्वीर सब एखन हटाओल गेल। प्राय मंत्रालय समय राष्ट्रपति आ प्रधानमंत्री के फोटो रखबाक परंपरा रहल है। अन्य देश समय सेहो मंत्रालय समय राष्ट्र अध्यक्ष के तस्वीर राखे के चलन है। डॉक्टर रामवरण यादव राष्ट्रपति रहल समय में नेपाल विद्यार्थी संघ सेहो सरकारी कार्यालय में राष्ट्रपति के तस्वीर राख के अभियान संचालन कने छल। सोनल मंत्री भेला पर मधेश आंदोलन के शहीद सबके संगे जन आंदोलन के शहीद सबके तस्वीर मंत्रालय में राख लगौने छल। मंत्री यादव के स्वकीय सचिव धीरेन्द्र मोहन झा मंत्री जी के कार्यकक्ष में राष्ट्रपति आ प्रधानमंत्री के फोटो पहले ही से नहीं रहल दावी कलन। वो पहले ही से रहल मधेश आंदोलन तथा जन आंदोलन के शहीद सबके तस्वीर नहीं हटाओल गेल आ 4 फोटो थप कैल गेल जानकारी दिलन। वो कहलन उनका सबके योगदान मधेश विकास में रहला से शहीद के तस्वीर के सेहो वही रूम में अन्य भित्ता में राखल गेल। ऐसे पहले वही मंत्रालय के मंत्री रहल जितेंद्र सोनल अपन कार्यकक्ष में राष्ट्रपति आ प्रधानमंत्री के फोटो राखल गेल या नहीं राखल गेल ते विषय में अपना के स्मरण नहीं रहल बतौने छथि। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत प्रदेश हरित अभियान 2078 के एक कार्यक्रम के बीच शुभारंभ कलक। डिवीजन वन कार्यालय धनसा मिथिला नगर पालिका वार्ड नंबर 4 पुष्पलपुर में आयोजन कने कार्यक्रम से मुख्यमंत्री राउत
बर पीपल के गाछ रोपित अभियान के शुभारम्भ चलन है। मुख्यमंत्री राउत अभियान के शुभारम्भ केने लगते प्रदेश के 8 जिला में एक साथ वृक्षारोपण के शुरुआत भेल अछि। राष्ट्रीय वृक्षारोपण दिवस के अवसर में शुभारम्भ कयल गेल 7 दिवसीय अभियान अंतर्गत 8 जिला के कुल 1135 हेक्टर जगह में 14,46,796 गाछ रोपक के कार्यक्रम रहल। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्रालय के सचिव डॉक्टर रामचंद्र कड़ेल जानकारी दिलन। अभियान के शुभारम्भ के लिए 8 जिला में प्रदेश सरकार के मंत्री एवं राज्य मंत्री सब पहुँचल छल। सप्तरी में सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह, सिरहा में अर्थमंत्री विजय कुमार यादव, महोतरी में आंतरिक मामला तथा संचार राज्य मंत्री सरोज सिंह कुशवाहा, सरलाही में उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्री राम नरेश राय आ महिला बाल बालिका तथा खेलकूद मंत्री वीरेंद्र कुमार सिंह, रोहतक में भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मंत्री योगेंद्र राय यादव, बारा में अर्थ राज्य मंत्री उषा कुमारी यादव आ परसा में ऊर्जा तथा खाने पानी मंत्री ओम प्रकाश शर्मा अभियान के शुभारम्भ कलन। सामाजिक सुरक्षा कोष एखन धरि कोष में 14,580 रोजगारदाता आबद्ध रहल जानकारी दिलक अछि। आइ काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करैत कोष 51,292 योगदानकर्ता आ 6,39,35,00,000 योगदान रकम संकलन भेल सेहो जानकारी दिलक अछि। तहिना दवाई इलाज स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना में 2,047 योगदानकर्ता के 3,91,00,000, दुर्घटना तथा अशक्तता योजना में 91 योगदानकर्ता के 26,91,000 दावी भुगतानी भेल कोष जनौलक अछि। तेना आश्रित परिवार सुरक्षा योजना में 41 परिवार के 48,03,000 आ वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना में 874 योगदानकर्ता के 6,97,00,000 रकम कोष सँ दावी भुगतानी भेल कोष के प्रवक्ता विवेक पंथी जानकारी दिलन। 2078 जेठ आ अखाड़ महीना के योगदान रकम सरकार जमा कर देबाक निर्णय सँ सरकार कोष के उच्च प्राथमिकता में रखने पुष्टि केने ओ बतौलन। मिति 2077 माघ 29 गते सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको दोस्रो संशोधन भए पश्चात यस कार्यक्रमप्रति आम रोजगारदाता र तथा श्रमिकहरूमा थप उत्सुकता पैदा भएको कोषले महसुस गरेको छ। कार्यविधिको दोस्रो संशोधनपछि मात्रै कोषमा 1,328 रोजगारदाता, 64,956 योगदानकर्ता र 2,21,12,00,000 भन्दा पत्रकार सम्मेलन में कोष के कार्यकारी निर्देशक कपिल मणि गेवाली अनौपचारिक क्षेत्र के सेहो कोष में संलग्न कराबक काज भ रहल बतौलन। तहिना ओ कोष में आयल उजूरी के प्राथमिकता के साथ देख रहल जानकारी दिलन। हामीले गत वर्ष देशको धेरै ठाउँहरूमा हामी पुग्यौँ, त्यो पनि त्रिपक्षीय रूपमै गएको हो। श्रमिक प्रतिनिधि, रोजगारदाताको प्रतिनिधि, एफएनसिसिआई, सिएनआई, प्याप्सन, एनप्याप्सन लगायतबाटै सँगै हामी गएर कार्यक्रम गर्ने गरेका हो। र यो लकडाउनपछि चाहिँ हाम्रो रिच अझ बढ्या छ। किन बढ्यो भने हामी जुमबाट जोडिन्छौँ र ओपनली पनि हप्ताको दुईचोटि मङ्गलबार र शुक्रबार हामीले कार्यक्रमहरू गर्दै आयौँ। त्यसको साथसाथै हामीले के भन्ने गरेका छ भने यहाँ आउनुहुन्छ अथवा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू पहिला चाहिँ यो बुझ्नु पऱ्यो। सोसियल सेक्युरिटी सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हेबाक लेल 2075 कार्तिक 26 गते राजपत्रमै सूचना प्रकाशित कक 2076 साउन 1 गतेसँग निरन्तर योगदान रकम सङ्कलन भ रहल कोष जनौलक अछि। नेपालमै आइ थप 2,444 गोटेमै कोरोना पुष्टि भेल अछि। देशभरि कयल गेल 6,648 पीसीआर परीक्षणके क्रममे 1,509 गोटे आ 4,992 एन्टिजेन परीक्षणके क्रममे थप 935 गोटेमै कोरोना पुष्टि भेल अछि। एहिसँगै नेपालमै कोरोना संक्रमितके संख्या 6,68,221 पहुँचल अछि। तहिना कोरोनाका कारण थप 42 गोटेके मृत्यु भेल अछि। एखन धरि नेपालमै कोरोनाके कारण 9,051 गोटेके मृत्यु भऽ चुकल अछि। तहिना थप 3,854 संक्रमित ठीक भेला पर एखन धरि नेपालमे 5,88,187 गोटे संक्रमित ठीक भेल अछि। एखन नेपालमे 37,950 संक्रमित आइसोलेशनमे आ 357 गोटे क्वारेन्टाइनमे रहल अछि। एखन धरि नेपालमे 33,29,687 पीसीआर आ 1,79,941 एन्टीजेन परीक्षण कयल गेल अछि। अध्यागमन विभाग QR कोड सहित छपाई कयल गेल भिसा के शुभारम्भ कयलक अछि।
विभाग आई काठमाडौँ में आयोजना गर्ने एक कार्यक्रम के बीच गृहमंत्री विष्णु पौडेल प्रणाली सृजित क्यूआर कोड सहित छपाई कैल गेल भिसा के शुभारंभ कलन कार्यक्रम में मंत्री पौडेल अध्यागमन प्रशासन के क्षेत्रीय नेपाल के चिन्ह वाला पहल विषय रहल कहे एक क्षेत्र के थप सुधार करत ल जाए बतौलन वो समग्रता में नेपाल के अध्यागमन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बनाव प्रभाव आवश्यकता रहल धारणा रखलन। मंत्री पौडेल अध्यागमन विभाग के समय अनुकूल बनेवाक लेल केन्द्रित होब निर्देशन सेहो देलन। यहाँले आफैले पनि भोग्नु भएको अनुभव गर्नु भएको विषय छ कि नेपाललाई चिन्ने नेपाललाई विदेशीहरूले चिन्ने पहिलो आँखा पहिलो चाहिँ दृश्य अध्यागमन हो एयरपोर्ट हो खास गरी त्यस हिसाबले हेरिन्छ। त्यसै कुनाले हामीले यो भिजा प्रणालीमा त एक प्रकारको सुधार गरेका छौँ। अब तेना विभागक महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराई नयाँ प्रणाली अनुसार भिसा पावला व्यक्ति के सम्पूर्ण विवरण आवश्यक सब निकायमे रेकर्ड में रहत जानकारी दिलन। ओ भिसा वितरण के केन्द्रीकृत आ एकीकृत कर सेहो सहज हेबाक बताने छलखिन। सम्पूर्ण भिसाको विवरण केन्द्रीकृत रूपमा एकीकृत रूपमा हामी राख्न सक्छौँ। सेक्युरिटी फिचरहरूको रूपमा होलोग्राम र वाटर मार्क रहेको छ। भित्रपट्टि त्यो नेपाल सरकारको लोगो वाटर मार्क रूपमा छ, यतापट्टि साइडपट्टि पनि होलोग्रामहरू रहेको छ। अनि भिसा स्टिकरमा क्युआर कोड हुने हुँदाखेरि त्यसमा इन्भेट गरिएका क्युआर कोडमा इन्भेट गरिएका विवरणहरू व्यक्तिले त्यो सच्याए भने पनि सबै कुरा पत्ता लाग्न सजिलो हुन्छ, हातले केन्द्र गर्न मिल्दैन र प्रणाली सृजित क्यूआर कोड सहित छपाई कैल गेल भिसा के शुभारंभ भेल संगे आवेदन आ वितरण में सेहो सहज हेबाक विभाग जनौलक अछि। काठमांडू महानगरपालिका हाम्रो टीम नेपाल प्रयोग करैत आयल अनाम नगर के सरकारी जग्गा खाली करौलक अछि। अनाम नगर के यूनियन हाउस संगे रहल सरकारी जग्गा एक वर्ष से जबरदस्ती भोग चलन करैत आयल आ बेर बेर ताकेता केने रहितो खाली निकेने कहत महानगर जग्गा खाली करौलक अछि। ओहि क्रम में महानगर ओ जग्गा में रहल तहरा सेहो तोड़ देलक अछि। खाली करेबा क्रम में प्रहरी हमरो टीम नेपाल के अभियंता विमल पंत लगायत के अभियंता सबके नियंत्रण में लेलक अछि। ओ जग्गा प्रयोग के बारे में स्थानीय आ हमरो टीम नेपाल बीच विवाद सेहो भेल छल। हमरो टीम नेपाल निषेधाज्ञा के समय में विपन्न नागरिक सबके खाना खुएबाक अभियान संचालन करैत आयल छल। नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश नंबर एक के प्रदेश सभा बैसार अवरुद्ध बनौने अछि। प्रदेश एक सरकार के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री अम्बीर बाबू गुरुंग रोस्टमे से माफी मांग पड़वाक मांग करैत माओवादी केन्द्र प्रदेश सभा के आजुक बैसार अवरुद्ध बनौने छल। विनियोजन विधेयक ऊपर मंत्रालय बारे में सदन में उठल प्रश्न के जवाब देबाक क्रम में रवि दिन मंत्री गुरुंग माओवादी सांसद मोहन कुमार खड़का के नाम लक अमर्यादित टिप्पणी कयने छलथि। आजुक बैसार शुरू होते माओवादी केन्द्रक सांसद सब उठ कर विरोध जनौलक बाद सभामुख प्रदीप कुमार भंडारी बाज समय देने छलखिन। माओवादी केन्द्र संसदीय दल के उपनेता राम कुमार राय मंत्री रोस्टमे से माफी मांग कर हुनकर अभिव्यक्ति रिकॉर्ड से नहीं हटौने धरि सदन अवरोध जारी रहत बतौलन। मंत्री के अमर्यादित प्रस्तुति रहल कहत माफी मांग पड़वाक आ मंत्री गुरुंग के कहब के संसद के रिकॉर्ड से हटाव पड़वाक ओ मांग कलन। यो अमर्यादित र चाहिँ अब असंवैधानिक ढङ्गले यो चाहिँ अब गरिँदैछ, त्यसले गर्दा यसको यदि पुनर्लेखन गर्ने भने यही सदनमा हुनुपर्छ, यही चाहिँ अब सदनबाट चाहिँ अब अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने म कुरा राख्न चाहन्छु सभामुखले। र यो जति हाम्रो चाहिँ अब माननीय मन्त्रीज्यूले राखेको कुरा मन्त्री गुरुङ रेबिन बाजक क्रम सभामुख कहब के निष्कर्ष लगावा चार बेर रूलिंग केने रहितो लगातार सांसद खड़का ऊपर गाली गलौज में उतरल छलखिन। माओवादी दल के उपनेता राय मंत्री माफी नहीं मांगने थे बैसार अवरुद्ध हेबाक कहला के बाद सभामुख बैसार काल दिन के धर के लेल स्थगित कने छले। बेस्ता टुडे प्राइम समाचार एखन के लेल एतबे। हम प्रमोद के विदा दिया, देखते रहे टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।